साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन मैंने कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर है, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण हमें इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।